आपने देखा होगा कि जब भी आप फैन वाइंडिंग मशीन से पंखे की वायरिंग करते हैं और उसके बाद जब आप इसके अंदर पीवीसी पेपर बैठाते हैं तो यहाँ पे आपके जो पेपर है वो उसके अंदर नहीं जाते हैं या फिर ज़्यादा टाइट होते हैं, जिससे कि आपके पेपर भी वेस्ट होते हैं और आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो आज मैं आपको इस समस्या का समाधान देने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास भी एक पंखा है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे फैन वाइंडिंग मशीन से वायरिंग कर ली है, परंतु यहाँ पे जब मैं पेपर बैठा रहा हूँ तो यहाँ पे पेपर नहीं जा रहा है और यदि जा भी रहा है तो टेढ़ा हो जाता है, जिससे कि पंखा शॉर्ट हो जाता है। और यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैं यहाँ पे पेपर बैठा रहा हूँ तो पेपर बेंड हो जाता है, ख़राब हो जाता है या फिर मुड़ जाता है। तो इस समस्या का समाधान यही कि आप जब भी वाइंडिंग करें तो यहाँ पे जब आप इसकी डाई को लगाते हैं तो डाई में आपको गैप ज़्यादा रखना है। फैन वाइंडिंग मशीन के अंदर गैप ज़्यादा रखते हैं तो आपकी जो फैन वाइंडिंग है उसके अंदर कॉइल बड़ी बनती है, जिससे कि आप जब इसके अंदर पीवीसी पेपर बैठाते हैं तो आपके जो पेपर है वो अब यहाँ पे आसानी से बैठ जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कॉइल बड़ी बनाई। तो अब यहाँ पे मैं जब भी पेपर बैठाता हूँ तो यहाँ पे आसानी से इसके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जगह ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर गैप ज़्यादा है। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।